हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमारा बेसिक क्लियर कर लिया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, किस किस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम और अपना लेवल बढ़ाते हैं, कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फ्रेंड्स। और जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसी को समझ आएगा कि हम कौन सी ट्रिक से क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। असम बिकम्स 1352 इन 2 ईयर एट द 4% पर एन्यूम कंपाउंड इंटरेस्ट द सम इज। अब सम हमें फाइंड आउट करना है। सम मैंने फर्स्ट डे ही आपको बताया था, जब हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि सम क्या होता है। सम क्या होता है? सम प्रिंसिपल को बोलते हैं। सम किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल को। ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है अमाउंट। अमाउंट कितनी हो जाती है? 1352 हो जाती है। और कितने साल में? टाइम कितना दिया हुआ है? 2 ईयर दिया हुआ है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 4% दिया हुआ है, या जिसको स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं। आर कितना दिया हुआ है? 4%। अब हमें फाइंड आउट करना है सम क्या है। आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, वो मैंने चार के चार मेथड करवा रखे हैं आपको, जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि बेस मेथड से। अब बेस मेथड क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका? 4% का 4% है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट ईयर भी 4% रहेगा, सेकंड ईयर भी 4% रहेगा। अब बेस मेथड के अंदर हम क्या करते थे, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है तो 2 ईयर के लिए आपको निकालना है, तो आप क्या करते थे वहां पे? स्केयर। तो पहले उसको क्या करना है? बेस बनाना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है ना। तो 4%, 4% को क्या लिख सकते हैं? 1/25, यानी कि सम 25 से कितना हो गया है? 26 हो गया। यानी कि 1 का क्या मिल रहा है? 1 पार्ट का क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यानी कि बेस हमारे पास क्या आया है? यहां से बेस हमारा सम अगर 25 है तो अमाउंट कितनी होगी हमारी? 26। ये तो हुई फर्स्ट ईयर की बात। अब बात करें सेकंड ईयर की। फर्स्ट ईयर हमेशा क्या होता है आपका? बेस होता है। ठीक है, अब सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर में ये क्या हो जाता है? स्केयर हो जाता है। यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि स्केयर क्यों हो जाता है, क्यों हम स्केयर कर देते हैं उसका, हर एक स्टेप मैंने अच्छे से बताया था आपको। तो सेकंड ईयर में सीधा का सीधा क्या हो जाएगा? यहां से सेकेंड ईयर में फिर से 25 और फिर से 26। चलो मैं सेपरेट करके ही बता देती हूँ। तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल यानी कि टोटल इन 2 ईयर या फॉर द सेकेंड ईयर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 25 एंड 26 सेम रहेगा, लेकिन फॉर द 2 ईयर, या हम यहाँ पे लिखे फॉर 2 ईयर, अगर टोटल की बजाय लिखे फॉर 2 ईयर, कि दोनों सालों के लिए, पहले साल के लिए भी दूसरे साल के लिए भी, क्या हो जाएगा अपने पास? स्केयर कर देते हैं ना इसका, इसका स्केयर 625, और इसका स्केयर आपके पास कितना हो जाएगा? 676 आपके पास आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको बार बार, ये मैं सिर्फ आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने लिखा है। सिर्फ आप बेस लिखेंगे 25 एंड 26 और दोनों ईयर के लिए लिख देंगे, फॉर 2 ईयर, ये फॉर सेकेंड ईयर है, ये सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए है, और ये दोनों सालों के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब 2 साल के लिए, 2 साल के लिए इसने कितना दिया हुआ है अमाउंट? 1352, लेकिन हमारा कितना अमाउंट आया है 2 साल के लिए? 676 यूनिट। तो 676 यूनिट किसके इक्वल आया? 1352 के इक्वल आया। ठीक है, तो यानी कि यहां से 676 यूनिट आपका आया 1352, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा यहां से? 2। हमें तो क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। सम कितना यूनिट है? 625 यूनिट है। तो 625 यूनिट कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 1250 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 1250। आई चीजें समझ में? इतना ताम झाम आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या लिखना है? 25 26, 2 ईयर के लिए है तो 625 एंड 676। यहां से देखना है अमाउंट, अमाउंट कितनी दी हुई है? 1352। कंपेयर करेंगे यहां से, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, देन 625 यूनिट कितना आ जाएगा आपके पास? 1250 आपके पास आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुई यहां तक? कोई भी दिक्कत नहीं, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। रफ कर देते हैं इसको, हम आज बहुत सारी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कि आपको रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो, कंपाउंडेड एनुअली दिया हो, हाफ ईयरली दिया हो, या क्वार्टरली दिया हो, कुछ भी क्यों ना दिया हो, सारे टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखना फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है। द कंपाउंड इंटरेस्ट
ऑन रेट 8,000 एट 15% पर एन्यूम फॉर द 2 ईयर 4 मंथ्स कंपाउंडेड एनुअली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, किसके ऊपर, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, पहले लिख लीजिए जो चीजें दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 12% दिया, 15% दिया हुआ, सॉरी 15%, और टाइम कितना दिया हुआ है आपके पास 2 ईयर 4 मंथ्स, 2 ईयर 4 मंथ्स। अब हमें ये कंपाउंडेड एनुअली लगाया है इसने, कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली मतलब हर ईयर काउंट कर रहा है ना। तो अब किस मेथड से करेंगे, सिंपली बेस मेथड से करेंगे, तो बेस मेथड से आपका 15%, 15% किसके इक्वल हो जाएगा 15/100, यानी कि कितना आया यहां से ये 25, और यहां से कितना हो जाएगा ये आपका 20, 20 से काट देते हैं, 5 से काट देंगे तो 3 हो जाएगा, और वहां पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अब यहां पे करते हैं, चलिए बेस कितना होगा यहाँ पे पहले फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल एंड एन अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए। अब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपको 20 से 23 अमाउंट कैसे हो जाती है, 3 क्या क्या मिलता है आपको, इंटरेस्ट मिलता है, तो अमाउंट कितनी होगी 20 से 23। अब सेकेंड ईयर भी यही प्रोसेस रहेगी ना, 20 से 23। अब थर्ड ईयर की बात करें, क्यों, क्योंकि इसने 2 ईयर और 4 मंथ दिए, यानी कि थर्ड ईयर में हमें जाना तो पड़ेगा ना, और थर्ड ईयर के कितने मंथ लेने हैं आपने, 4 मंथ लेने हैं। अब मुझे बताइए कि पर ईयर आपका कंपाउंडेड एनुअली बोला है ना, तो वन ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% है, आई चीजें समझ में, 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड बताती हूं मैं आपको, कि जो 12 मंथ्स पे, यानी कि 1 ईयर के ऊपर आपको कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, 3 मिल रहा है, तभी तो 23 अमाउंट हुई है, यानी कि 1 ईयर पे आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है। तो हमें कितने पे निकालना है, 1 ईयर किसके इक्वल होता है 12 मंथ, तो 12 मंथ पे कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो हमें तो 4 मंथ के लिए निकालना है ना, तो 4 मंथ पे, 4 मंथ पे कितना मिलेगा 13/12 × 4, ये कितना आ गया 1, यानी कि 4 मंथ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 पार्ट का मिलेगा, जब आपका सम कितना है 20 पार्ट का है, आई चीज समझ में। तो यानी कि अमाउंट कितनी हो जाएगी 20 से 21, 1 पार्ट का मिला ना 1/20, यही तो मतलब हुआ, जब आपको 1 ईयर पे 3 पार्ट का मिलता है, 15% था, कंपाउंडेड एनुअली था, यानी कि 1 ईयर का निकाल रहे थे, 1 ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया था 3 पार्ट का, जब आपका प्रिंसिपल कितना है 20 है। अब अमाउंट कितनी होगी 20 + 3 = 23, अब कितना निकल के आ रहा है 4 मंथ के लिए 1 पार्ट का, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 20 से 21 हो जाएगी। बताइए यहां तो कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल फॉर 3 ईयर्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8,000 यूनिट, और ये हो जाएगा 1109 यूनिट्स आपके, ठीक है, 1109 यूनिट्स। अब देखिए आपके पास एक्चुअल में कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल, 8,000 ही दिया हुआ है, एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8,000, तो यानी कि 8,000 यूनिट किसके इक्वल आ गया 8,000 के, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1, आई चीज समझ में। तो यानी कि ये आपके पास अमाउंट 1109 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, सिंपली इतने रुपीज के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 8,000 यूनिट 8,000 रुपीज के इक्वल है। तो ये तो क्या है, आपकी अमाउंट आया, अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, यहां से हम 8,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ये 9, ये 0, ये 1, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 3109। बताइए कोई दिक्कत, यहां हुई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो ये आपको ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, इसको आप दूसरे मेथड से कैसे भी निकाल सकते हैं, देखना एक बार जरा देखिए, सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आप बेस मेथड नहीं लगाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर कर दूं मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पे करती हूँ मैं एक बार इसको, देखना फ्रेंड क्या दिया होगा। अब नॉर्मली जब हम अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल हमें दिया होता है, फर्स्ट ईयर के लिए कितना लगा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, तो यानी कि अमाउंट कितनी हो जाएगी 115/100, सेकेंड ईयर के लिए फिर से 115/100। अब थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर में तो 4 मंथ्स आ गए, तो वहां पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा देखना, अब 12 मंथ्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, तो 4 मंथ्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 15/12 × 4, यानी कि कितना परसेंट आया आपके पास 5% आया, कितना परसेंट
5%। तो यानी कि थर्ड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 4 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 5% होगा। तो यानी कि यहाँ से क्या कर देंगे आप, 105/100 कर देंगे। ये 20 से 20, ये 10 से 10। जैसे ही आप इसको कट करेंगे, मुझे काटने में कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल, आप इसको कट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 11109। तो ये क्या आई, अमाउंट आई, क्या आई, अमाउंट। तो अमाउंट से तो आप इजिली निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस 8000 कितना हो जाएगा, 3109 आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। वो आपके ऊपर है कि आपने किस तरीके से निकालना है। मैंने दोनों मेथड से आपको करवा दिया है, आप किसी भी मेथड से प्रेफर कर सकते हैं, इधर आप बेस मेथड से निकालें और या फिर जो आपका फॉर्मूला मेथड आप उससे भी निकाल सकते हैं। ये कौन सा मेथड, फॉर्मूला मेथड है ना, प्रिंसिपल इंटू 1+R/100, यही करना था हमने काम। ठीक है, आई चीजें समझ में, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। 12 मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं तो 4 मंथ्स के लिए क्या निकले, कैसे निकलेगा, कहां से निकलेगा, ये सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक ना, देखना क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5000 एट 8% पर एन्यूम फॉर 9 मंथ्स व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब इंटरेस्ट क्या दे दिया इसने, कंपाउंडेड एनुअली नहीं दिया इसने, क्या दे दिया, क्वार्टरली दिया। पहले तो लिख लीजिए क्या है, फिर मैं सारी चीजें समझाती हूँ आपको। क्या है कि सम, सम मतलब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 9 मंथ्स दिया, 9 मंथ्स। ठीक है, अब जब हम कंपाउंडेड एनुअली होता है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है, मैंने ये चीज सिंपल इंटरेस्ट में भी आपको बताई थी कि ठीक है कि क्या हो जाता है इसके अंदर, हम क्या कर देते हैं, ये टाइम चेंज कर देते हैं, टाइम चेंज कर दे। अब कैसे कि आप बोलेंगे क्वार्टरली में क्या हो जाता है, टाइम कितना हो जाता है और हाफ ईयरली में कितना हो जाता है। आप सिंपली अजप्शन, अजप्शन होती है हमारी, ये समझाऊंगी मैं क्यों होती है ये, कि आप क्या करते हैं आर को, तो क्या करते हैं R/4, यानी कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर आप कंपाउंडेड क्वार्टरली कर रहे हैं, अगर आप कंपाउंडेड क्वार्टरली कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, और टाइम क्या हो जाता है, 4 टाइम हो जाता है। नया टाइम क्या हो जाता है, न्यू टाइम क्या हो जाता है, 4 टाइम, और न्यू न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है आपका, R/4%, और नया टाइम क्या हो जाता है, 4 × t। और अगर होता है ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो न्यू रेट क्या हो जाता है आपका, R/2%। अब हाफ ईयरली है तो R/2 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और टाइम कितना हो जाएगा आपका, 2 × t हो जाएगा। ये चीजें क्यों होती है, अब देखना। अब मान लीजिए मुझे एक चैप्टर कराना है आपको, ठीक है, या मान लीजिए कि मुझे साल में 10 चैप्टर आपको कराने, कंप्लीट कराने, ठीक है, लेकिन मैं आती हूँ साल में एक बार, मैं साल में आती हूँ एक बार, ठीक है। अब आप कहेंगे नहीं मैडम ये तो बहुत लंबा इंटरवल हो गया है, आप साल में प्लीज 2 बार आ जाइए, ठीक है। तो 2 बार आएंगे तो हम कैसे कराएंगे चैप्टर, मेरा फुल सिलेबस तो उतना ही रहेगा, 10 चैप्टर ही मैंने कराने हैं, कराने तो मैंने 10 चैप्टर दिए, लेकिन साल में कितने बार आऊंगी, मैं 2 बार आऊंगी, साल में कितने बार आऊंगी, 2 बार आऊंगी, और कैसे कैसे कराऊंगी, 5 एक बार करवाऊंगी, 5 एक बार करवाऊंगी। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मेरा करवाने की क्वांटिटी कितनी होगी, 5 एक बार होगी, 5 एक बार हो रही है, यानी कि जो आपका पुराना रेट था वो टूट के कितना हो गया, हाफ हो गया। और टाइम यानी कि 2 बार आ रही हूं मैं साल में, कितने बार आ रही हूँ, 2 बार आ रही हूँ, तो कितना हो गया टाइम आपका, 2 टाइम। आई चीजें समझ में, तो ये हमारी जस्ट अजम्पशन होती है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, एक्चुअल में ये ऐसा कुछ नहीं होता है हमें। अगर हमें ऐसा कुछ दिया होता है तो आपको अगर टाइम निकालना है, आपको रेट निकालना है, तो आपका ओरिजिनल रेट और ओरिजिनल टाइम निकालना है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगी आपको। फिलहाल तो आप ये देखिए कि आप अजम्पशन से कैसे क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखना, अब आपने नया रेट माना है, नया टाइम मानिए, तो न्यू रेट क्या हो जाएगा आपके पास, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। अब क्वार्टरली है तो 8% / 4 कितना परसेंट, 2%। अब न्यू टाइम क्या हो जाएगा, न्यू टाइम 9 months × 4 यानी कि 36 मंथ। तो 36 मंथ का मतलब क्या है, 3 ईयर, कितना है, 3 ईयर। आई थी समझ में, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, अब ये क्या हो गया आपका, 3 ईयर टाइम हो गया और आपका क्या हो गया, रेट क्या हो गया, 2%, यानी कि टाइम हमारे पास 3 ईयर आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा फिक्स है। तो 3 ईयर के लिए सिंपली बेस मेथड से करेंगे। अब आप 2% का मतलब क्या होता है, 1/50, यानी कि 50 से अमाउंट कितनी होगी, 51,
तो बेस क्या आ गया 50 से 51। अब सिंपली आपको 3 ईयर के लिए जाना है, फॉर द 3 ईयर्स क्या करेंगे, सेकेंड ईयर की 2 ईयर के लिए जाते थे तो क्या करते थे, स्क्वेयर। अब 3 ईयर के लिए जाएंगे तो क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो क्यूब एंड 51 का क्यूब, ये कितना हो गया 125000। और यहां से इसका करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 132651। ये मैंने ट्रिक्स बताई हुई है आपको कि कैसे आप 51 का क्यूब निकाल सकते हैं, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पोर्शन में ये चीजें डाली हुई है कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक के पोर्शन में कि कैसे आप किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी नंबर का आप स्क्वेयर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यूब रूट। अब देखना प्रिंसिपल एक्चुअल में है कितना, 5000 है, लेकिन हमारे पास कितना यूनिट आया है, 125000 यूनिट। तो 125000 यूनिट किसके इक्वल आया, 5000 के, तो 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, सिंपली डिवाइडेड बाय 125000, तो ये कट गया आपके पास कितना आंसर आया, 1/25। हमें किसका निकालना है, 132650 यूनिट। हमें अमाउंट ही तो निकालनी है ना, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप, ये तो क्या है आपकी अमाउंट है, ये तो क्या है आपकी अमाउंट है, तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है अमाउंट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा का पहले तो वो निकालिए, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 132651, और माइनस में क्या करेंगे आप 125000, तो यहां से क्या आ गया 651, और यहां से क्या आ गया जस्ट आपका 7651, यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है 7651 यूनिट की। तो 7651 यूनिट आपके पास किसके इक्वल आ गया, 761 यूनिट किसके इक्वल है, 1/25 को, तो 7651 यूनिट 25 से हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड, तो यहाँ पे 3 15 3 देन आएगा आपके पास 0 पे जाएगा, देन आपके पास 4 पे है ना, हाँ 6 पे, सॉरी 6 पे जाएगा, देन 0.04, ये आपके पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया फ्रेंड आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो कौन सा मेथड हुआ आपका, कौन सा मेथड हुआ, बेस मेथड। कौन सा मेथड, बेस मेथड। इसी क्वेश्चन को आप ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे बस। अब एक्चुअल में यहाँ पे तो हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, तो रेट वगैरह में तो हमें कोई चेंज नहीं करना, टाइम में तो कोई चेंज नहीं करना। अगर हमें रेट और टाइम पूछता वो तो नया रेट और नया टाइम आता हमारे पास, लेकिन हमें तो एक्चुअल जो ओरिजिनल रेट है और ओरिजिनल टाइम है वो चीजें निकालनी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, बहुत अच्छे से करवाऊंगी वो वाला भी, कि कैसे आपको रेट और टाइम पूछ ले, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है या कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया है तो उस केस में आपका क्या निकल के आएगा, ये चीज आई समझ, बताइए मुझे। इसको सेकंड मेथड से आप कैसे कर सकते हैं, देखना ट्री मेथड से अगर मैं इसको करूं तो कैसे कर सकते हैं आप, देखना जरा एक बार। अब मुझे बताइए कि आपके पास टाइम कितना दिया हुआ है, 3 ईयर दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 5000 है, प्रिंसिपल 5000 है। तो सबसे पहले तो किसके ऊपर निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर निकलता है, तो इसका 2%, इसका 2% और इसका 2%, 2% ही है। 3 ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर का क्या है आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपीज। अब ये 100 रुपीज, ये 100 रुपीज, ये किसके आया, सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर आया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो किसके ऊपर भी निकलता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी निकलता है। इससे पहले कुछ इंटरेस्ट मिला हुआ है, कुछ नहीं मिला हुआ, लेकिन इस जब सब सेकंड ईयर का निकालेंगे तो उससे पहले तो इंटरेस्ट हमें मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है 100। तो 100 का क्या परसेंट निकालेंगे आप, 2%, 100 का 2% कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। 100 का 2% कितना होता है, 2 होता है। अब चलिए थर्ड ईयर की बात कर लेते, थर्ड ईयर में इससे पहले क्या मिला हुआ आपको, फर्स्ट ईयर पे मिला हुआ है, फर्स्ट ईयर पे 2% आएगा, कितना आ जाएगा 2। फिर सेकंड ईयर पे, सेकंड ईयर पे भी मिला हुआ है हमें प्रिंसिपल, तो सेकंड ईयर पे मिला हुआ है तो सेकंड ईयर पे कितना मिला हुआ है आपको इंटरेस्ट, 100। तो 100 पे 2% फिर से आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा यहां से 2। अब फिर से नीचे 2 और आया हुआ है, इसका भी कितना निकालेंगे, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है ट्री मेथड क्या है, प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट से करा लूं ट्री मेथड है क्या, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट निकालना होता है। यहाँ पे सेकंड ईयर में इंटरेस्ट कितना था, 100, 100 का 2% निकालेंगे, और कितना इंटरेस्ट था 2, इसका भी 2% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.04, तो इसको ऐड कर दीजिए बस, आपके पास कितना आ जाएगा 104.04, ये हो जाएगा 102, ये हो जाएगा 100। तो तीनों सालों का इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, 306.04 आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 306.04। आपको इस मेथड से करना है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, आपको बेस मेथड से करना है तो आप बेस मेथड से कर सकते हैं, मैंने दोनों मेथड आपको कराए। आई चीज समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। अब हमें निकालना है रेट और टाइम।
अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत निकाल लिया है, ठीक है, प्रिंसिपल भी हमने बहुत निकाल लिया। अब चलो बात करते हैं हम रेट परसेंट पूछ ले आपसे, या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले आपसे, या फिर टाइम पूछ ले। देखना फ्रेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास। एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000, ऑन 10,000, सॉरी 10,000 अमाउंट टू बिकम 13310 इन 3 ईयर, यानी कि 13,310 कितने सालों में, 3 सालों में, ठीक है। तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो जाती है, देखना फ्रेंड आपको क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। अमाउंट कितनी हो जाती है 3 सालों में, 13,310 आपके पास हो जाती है, कितने सालों में, 3 सालों में। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 ईयर दिया हुआ है। हमें पता करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, 3 ईयर में यानी कि 3 सालों में प्रिंसिपल इतने से इतना हो जाता है, यानी कि फॉर द 3 ईयर, फॉर द, आप जब बेस मेथड से आप निकालते थे तो आप क्या लिखते थे यहाँ पे, बेस फाइंड आउट करते थे, यानी कि बेस यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए, फिर यहाँ पे आप सेकेंड ईयर के लिए, फिर यहाँ पे आप थर्ड ईयर के लिए, ऐसे करते थे। फिर पूरे के पूरे 3 ईयर के लिए, तीनों सालों के लिए सिंपली आप क्या करते थे, क्यूब एंड क्यूब, यही करते थे प्रिंसिपल, और यहाँ पे आप अमाउंट, यानी कि आपको कब जाना है। अब आपको 3 साल से, 3 साल के सम से आपको किस पे जाना है, बेस पे जाना है। किस पे जाना है, बेस पे। तो 3 ईयर के लिए आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको 3 ईयर के लिए, 10,000, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 13310। ये क्या है, अमाउंट है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल। आपको जाना है बेस पे, कहाँ जाना है आपको, बेस पे जाना है। तो बेस पे जाने के लिए क्या करेंगे आप, देखना। अब आप बेस से आप 3 ईयर पे जाने के लिए क्या करते थे, आप क्या करते थे, आप क्यूब नहीं करते थे क्या। तो यानी कि अगर मैं इसको क्यूब की फॉर्म में लिख दूं, 2 ईयर का निकालने के लिए क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। 3 साल का निकालने के लिए क्या करते थे, क्यूब करते थे। यानी कि अगर इसको क्यूब की फॉर्म में लिख दें, ये किसका क्यूब, 10 का क्यूब, और ये किसका क्यूब, 11 का क्यूब, ठीक है। तो यानी कि बेस आपके पास क्या आएगा फिर, यहां से बेस से 3 ईयर पे जाने के लिए क्या करते थे, क्यूब करते थे। बार बार चीजें रिपीट कर रही हूं मैं। तो आपको 3 ईयर से बेस पे जाना है तो क्या करेंगे, वापिस चले जाएंगे। तो यानी कि ये क्या है, 10 है, और ये क्या है अमाउंट आपकी, क्या 11। तभी तो आपका सेटिस्फाई होगा। अगर आपको 2 साल का निकालना है तो क्या हो जाता है, 10 स्क्वेयर और 11 स्क्वेयर। अगर आपको 3 साल का निकालना है अमाउंट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रिंसिपल कितना हो जाता है, 10 क्यूब, और अमाउंट कितनी हो जाती है, 11 क्यूब, ठीक है। तो यानी कि यहां से क्या निकल के आया आपके पास, क्या निकल के आया यहाँ से आपके पास, कि आपकी प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल 10 है, तो अमाउंट कितनी हो जाती है, अमाउंट कितनी हो जाती है, 11। तो यानी कि इंटरेस्ट कितने पार्ट का मिल रहा है, इंटरेस्ट कितने पार्ट का मिल रहा है, वन पार्ट का इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब, जब आप, मुझे एक चीज बताइए, जब आप परसेंटेज में चेंज करते थे कि 10% को आप क्या लिखते थे, 1/10, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका होता था तो आप क्या बोलते थे, 10 पार्ट के ऊपर 1 पार्ट का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यही तो है, प्रिंसिपल कितने पार्ट का, 10 पार्ट का, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितने पार्ट का मिल रहा है, 1 पार्ट का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यानी कि यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1/10 नहीं हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से 1/10, 1 पार्ट का इंटरेस्ट मिल रहा है। प्रिंसिपल कितने के ऊपर मिल रहा है, 10 के ऊपर। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100, तो कितना परसेंट आया यहां से, 10% नहीं आया क्या। 10 के ऊपर आपको 1 पार्ट का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 10 के ऊपर 1 पार्ट का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्या हो गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो यानी कि यहां से अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि परसेंटेज में होता है हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना परसेंट आया यहाँ से, 10% निकल के आया। कितना परसेंट निकल के आया, 10%। बताइए कोई दिक्कत हुई है, हुई कोई दिक्कत, नहीं हुई, ठीक है। बाय चांस यहाँ पे क्या दे देता, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता, अगर यहाँ पे दे देता रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है टाइम कितना है, हमें फाइंड आउट करना है टाइम कितना है। अब देखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यानी कि 10 से 11 हो गया अमाउंट, ठीक है। अब कितने सालों में, 10,000 से 13310 हो जाएगी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, 11 का क्यूब। अब आपको पता है कि 1 साल में 10 से 11 हो रही है, तो कितने सालों में 10 क्यूब से 11 क्यूब होगी। हमें पता है कि जब हम क्यूब करते हैं तो कितने सालों में होती है, 3 सालों में होती है, स्क्वेयर करते हैं तो 2 सालों में होती है, 4 टाइम करते हैं तो 4 सालों में होती है। तो यहां से आप डायरेक्टली क्या भी निकाल सकते हैं, टाइम भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे हम मेथड वो करेंगे, सॉरी टेक्निक जिसको बोल सकते हैं, कि या फिर बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर करेंगे,
इसके अंदर रेट भी आपसे, टाइम पूछेगा आपसे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड जो भी पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बार क्या है, इन व्हाट टाइम विल 64,000 अमाउंट 68,921 एट 5% पर एन्यूम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब पहले तो चीज देखिए, कंपाउंडेड क्या दिया है, हाफ ईयरली दिया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली दिया है तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो न्यू रेट है वो क्या हो जाएगा, पुराने रेट का हाफ हो जाएगा, और जो न्यू टाइम है वो पुराने टाइम का कितना हो जाएगा, टू टाइम हो जाएगा। आई चीज समझ में? अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हमें टाइम निकालना है, हमें क्या निकालना है, टाइम हमें इवेल्युएट करना है। अब हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 64,000, और अमाउंट कितनी हो जाती है वो देख लीजिए एक बार, अमाउंट कितनी हो जाती है 68,921 हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको, 5% दिया हुआ है। तो पहले तो इसको इवेल्युएट कीजिए, पहले तो इस रेट को चेंज कीजिए। अब नया रेट क्या हो जाएगा आपके पास, न्यू रेट क्या हो जाएगा आपके पास, 5% / 2 यानी कि 2.5%। आई चीजें समझ में? तो अब बेस मेथड इसको सोल्व करेंगे। बेस क्या बनेगा हमारे पास, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए अगर इसको इवेल्युएट करें हम, फर्स्ट ईयर के लिए तो निकाल सकते हैं, हमें नहीं पता कितने सालों में हो जाएगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल और अमाउंट, अब 2.5% को सॉल्व कीजिए, 2.5% किसके इक्वल होता है, 25/1000 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 40 से 40 पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 का इंटरेस्ट मिला, यानी कि अमाउंट 40 से कितनी हो जाती है, 41 हो जाती है, 40 से कितनी हो जाती है, 41, ठीक है। अब देखिए हमें नहीं पता, हमें, हम यहाँ पे कर लेते हैं कि एन ईयर में, कितने सालों में, एन ईयर्स में हमें उस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना हो जाता है ये 64,000, और ये कितना हो जाता है आपके पास 68,921 हो जाता है, ठीक है। अब इसको जब आप बनाएंगे तो ये कुछ ना कुछ इसका सिमिलर बन रहा है, देखना 44 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16, 4 का क्यूब करेंगे 64, और 10 का क्यूब करेंगे तो 30 लग जाती है ऑटोमेटिकली। तो यानी कि ये बनेगा आपके पास 40 क्यूब, और ये बनेगा आपके पास 41 क्यूब। सॉल्व करके देख लेना इसको क्या बनेगा, 41 क्यूब, और शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने करवा रखी है, बार बार बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये बनेगा 40 क्यूब, ये बनेगा 41 क्यूब। अब मुझे बताइए, जब आपके पास फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल 40 था, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल 40 था, अमाउंट 41 हो जाती है, तो कितने सालों में 40 क्यूब से 41 क्यूब हो जाएगा, कितने सालों में, 3 सालों में, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है, क्यूब आ रहा है, कितना आ रहा है, क्यूब आ रहा है। आई चीजें समझ में? तो इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी एन की वैल्यू, 3। सिंपल सी चीज, अगर यहाँ के स्क्वायर हो जाता तो एन की वैल्यू कितने सालों में आ जाती है हमारे पास, 2 सालों में आ जाती है, ठीक है। बार बार आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है तो उस केस में जब क्यूब कर देते हैं तो 3 सालों में अमाउंट हो जाती है, स्क्वायर करते हैं तो 2 सालों में हो जाती है, 4 टाइम करते हैं तो 4 साल में हो जाती है। आई चीजें समझ में? क्लियर हुआ, ठीक है। अब एन की वैल्यू कितनी आई है, 3, यानी कि टाइम कितना आया आपके पास, 3 ईयर आया। अब ये टाइम कब आया है, जब आपने ये वाली चीजें कंसीडर की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया है, हाफ, और नया टाइम आया है, ये नया टाइम आया है। हमें तो कौन सा टाइम निकालना है, ओरिजिनल टाइम निकालना है। क्वेश्चन में ओरिजिनल टाइम निकलता है हमेशा, ओरिजिनल रेट निकलता है, ये जस्ट हमारी अजम्पशन होती है, बार बार बोल रही हूँ मैं, ये जस्ट हमने अजम्पशन की अज्यूम किया है क्वेश्चन को निकालने के लिए, ताकि क्वेश्चन में कुछ भी हमारा लेंथी प्रोसेस ना हो। हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली से कंपाउंडेड एनुअली में चेंज किया है, तो एनुअली में चेंज किया, फिर से हाफ ईयरली में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखना, नया टाइम, नया टाइम कितना आया है, 2 × टाइम आया है, नया टाइम 2 × यानी कि ओरिजिनल टाइम की बात करें तो ये ओरिजिनल टाइम होगा, ये न्यू टाइम, न्यू टाइम क्या है, 2 × t आया है। मान लीजिए आपका ओरिजिनल टाइम टी था, ओरिजिनल टाइम आपका था टी, अब नया टाइम आपने मान लिया टी वन, टी वन कितना होगा, 2 टी होगा, 2 टी पुराने टाइम का टी होगा, लेकिन आपको तो ओरिजिनल निकालना है ना टी, तो ओरिजिनल क्या होगा, T1/2। तो यानी कि आपके पास ओरिजिनल टाइम, या फिर आपने ओरिजिनल टाइम वैसे लिखना नहीं है, आपने एक्चुअल टाइम लिखना है कि कितने सालों में, ये चीजें आपको लिखनी तो है ही नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कर रहे हैं आप, तो जस्ट आपको क्या करना है, 40 से 41, और यहाँ पे क्यूब बनाना है, 3 साल हो गए हैं बस, उसका आप क्या करना है, आपने हाफ करना है। अब 3/2 ईयर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/2 ईयर आ जाएगा। आई चीजें समझ में? ये वाला बहुत ही मेन स्टेप था। अब आप क्या करते, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे निकाल के छोड़ देती ना कि 3 साल आ गया टाइम, आप बोलते थे बस मैडम हो गया है क्वेश्चन, हमें समझ आ गया, बस इसके आगे मत कराइए, हम कर लेंगे खुद, तो आपका क्वेश्चन हो जाता वहां पे रोंग, ठीक है।
तो ओवर स्मार्टनेस भी हमें नहीं दिखानी है, हमें थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स पे भी जाना है कि ये हमारी जस्ट अजम्पशन थी। क्या अज्यूम किया था हमने? टाइम को हमने डबल कर दिया था और हमने रेट को क्या कर दिया था? हाफ कर दिया था। अब टाइम को डबल किया है हमने, अपने अकॉर्डिंग किया, अपनी कन्वीनियंसी के लिए किया है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया है, लेकिन एक्चुअल टाइम तो क्या है? डबल तो नहीं है ना, एक्चुअल टाइम तो क्या है? हाफ है। एक्चुअल टाइम तो क्या है? जो नया टाइम आया उसका हाफ है। तो नया टाइम कितना आया है? 3 साल आया, तो 3/2 ईयर्स में आपका क्या हो जाएगा? यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे टाइम दिया होता, बाय चांस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता, यही क्वेश्चन होता, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आता है यहाँ से? 2.5%। कितना निकल के आता? 2.5। लेकिन एक्चुअल में तो क्या है? एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या होगा? ये नया है, पुराना ये वाला होगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करेंगे तो एक्चुअल क्या होगा? 2 टाइम आर होगा। कितना होगा? 2 टाइम आर। तो इसका 2 टाइम करते तो कितना आएगा आपका? 5% निकल के आएगा। आई चीज है समझ में? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जो मैंने बताया है आपको लास्ट में, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ। ठीक है फ्रेंड, तो कैसा लगा है आज का लेक्चर? कैसी लगी है क्वेश्चंस आपको जरूर मुझे कमेंट करके बताना है। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है फ्रेंड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, नोटिफिकेशन आने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माई फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।